हेलो एंड वेलकम टू आरएलआर एक्शन नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे सामने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि उनका रिजल्ट कितना आ रहा है, तो ये काम हम एक्सेल के अंदर कैसे करेंगे इसको आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे सामने कुछ वैल्यूज दी गई है जैसे 69 और 56, और अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि इसका आंसर कैसे आता है और कितना आता है, तो इस काम को मैं एक्सेल के अंदर बहुत ही आसान तरीके से कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं टाइप करूंगा इक्वल टू और इसके बाद मैं सबसे पहले वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर मैंने वो वैल्यू लिखी हुई है। इसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का सिंबल प्रेस करूंगा। इसको एक्चुअली में मल्टीप्लाई नहीं, एस्टेरिस्क सिंबल के नाम से जाना जाता है। तो मैंने अपने मल्टीप्लाई यानी कि एस्टेरिस्क सिंबल को प्रेस किया और उसके बाद मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया जिसके अंदर मैंने अपने दूसरे वैल्यूज को दिखाए, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरे सामने D3 और D4 के अंदर लिखी गई वैल्यूज का मल्टीप्लाई मेरे सामने, जिसका आंसर है 386। अगर मान लो मेरे सामने कुछ ऐसी वैल्यूज जो 200 ज्यादा के सेल्स में लिखी हुई है तो उनको भी मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, अपने सबसे पहले वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई, अपने दूसरे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई, अपने तीसरे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो तीनों सेल्स की वैल्यूज का मल्टीप्लाई का जो भी आंसर होना होगा वो मेरे सेल के अंदर आ जाएगा, जो कि है 54,740। तो ये सब बहुत आसान से ट्रिक्स है जिससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर डिवीजन यानी कि भाग कैसे करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।